ग्रेटर नोएडा में भी दिल्ली के खंजावला जैसा मामला सामने आया। यहां 3 स्टूडेंट को एक कार ने कुचल डाला। इनमें से बीटेक की एक छात्रा स्वाति की हालत नाजुक बनी हुई है। वो वेंटिलेटर पर है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। स्वाति अपने दोस्तों के साथ 31 दिसंबर की रात करीब 9 बजे कुछ खाने का सामान लेकर लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार सवारों की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के सरकारी कॉलेजों के 7,000 से भी ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर हैं। आज इनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। सैकड़ों की संख्या में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर केईएम हॉस्पिटल के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। इन डॉक्टर्स की कुल 6 मांगे हैं, जिनमें से छात्रावासों की क्वालिटी में सुधार और एसोसिएट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने की मांग भी शामिल है। अजमेर में देवनारायण मंदिर की दीवार तोड़ने पर हंगामा हो गया, जिसके बाद गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने कार्रवाई करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। अधिकारियों के मुताबिक सड़क सार्वजनिक निर्माण के विभाग की है, जिस पर अवैध रूप से 4 दीवारी बनाई गई थी और उसी को तोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई सिलेक्टेड किलिंग के बाद मेंढर इलाके में एक साथ कई जगहों पर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एसओजी विंग की ओर से पुंछ के मेंढर में सब डिवीजन में तमाम दूरदराज के इलाकों में जहां पर अल्पसंख्यक लोगों के घर हैं, उनके घरों में जाकर उनका हालचाल जाना गया और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। राजौरी आतंकी हमले में मारे गए 6 हिंदुओं का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। लोगों ने सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है और अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। जांच के लिए एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जाने वाली मालदा स्टेशन के पास किसी ने ट्रेन पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके कारण कोच C13 का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर एनआईए जांच की मांग कर दी है। उन्होंने ट्रेन पर पत्थरबाजी को जय श्रीराम नारे का बदला बताया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक अपनी दुकान पर बैठा था, तभी 8 नकाबपोश बदमाश बाइक से पहुंचे और युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल युवक को अपराधी सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जो कार हादसे का शिकार हुई है वो चेन्नई की बताई जा रही है। एमपी के अनूपपुर में कांग्रेस एमएलए की फायरिंग का वीडियो सामने आया है। न्यू ईयर पार्टी में विधायक सुनील सराफ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पार्टी में गाने की धुन पर पहले तमंचे पर थिरकते सराफ दिखते हैं और उसके बाद मंच पर ही हाथ उठाकर फायरिंग करते नजर आते हैं। राज्य के गृहमंत्री के आदेश के बाद कोतमा पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एमपी के बैतूल जिले में एक नाबालिग बच्चे के साथ रेप की घटना के बाद बवाल हो गया। नाराज लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ कर डाली। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया। हालात को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस को भेजा गया। 50 साल का रेप का आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। अमृतसर के अजनाला सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। एलओसी पर बीओपी चना के पास ये घुसपैठिया मारा गया। जवानों ने पहले घुसपैठियों को रोकने का प्रयास करते हुए आत्मसमर्पण कराने को कहा, लेकिन घुसपैठिए ने बीएसएफ जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में घुसपैठी को ढेर कर दिया गया। घुसपैठी के शव के पास एक पंप एक्शन शॉटगन बरामद किया गया है। हरियाणा के आरोपी खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। किसान यूनियन ने हरियाणा सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम में आरोपी खेल मंत्री को 7 दिनों में बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की गई है। एक महिला कोच द्वारा छिड़खानी के आरोपों के बाद संदीप सिंह ने अपना विभाग मुख्यमंत्री को वापस कर दिया। वहीं संदीप सिंह का बचाव सीएम खट्टर ने किया है और कहा है कि आरोप लग जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।